नमस्कार दोस्तों, जिस तरह से 69वीं बीपीएससी का आज परीक्षा संपन्न हुआ है, छात्रों में ऐसा था कि इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन आएगा, लेकिन जो भी रिव्यू किया गया है उसमें छात्रों द्वारा एक ही बात कहा जा रहा है कि ऐसा लग रहा था कि हम लोग यूपीएससी में बैठे हैं और क्वेश्चन का लेवल काफी टफ दिया गया था, ऐसा छात्र कह रहे हैं। इसी मुद्दे पर हम जो भी बीपीएससी का क्वेश्चन है, एनालिसिस है, रिव्यू है और कट ऑफ सारी चीजों पर बात करने के लिए दरोगा गुरु रहमान सर के साथ है। सबसे पहले सर स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर। बीपीएससी का क्वेश्चन था, 69वीं बीपीएससी था, सबको लग रहा था कि मॉडरेट क्वेश्चन आ सकता है, इजी टू मॉडरेट, लेकिन क्वेश्चन का लेवल काफी टफ है, छात्र ऐसा कह रहे हैं सर। नहीं देखिए, क्वेश्चन का लेवल बहुत टफ है, इसमें कोई संदेह नहीं। हाँ। लेकिन कुछ क्वेश्चन इजी भी है। अच्छा। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि कुछ क्वेश्चन का रिपीटेशन हुआ है, पहले वाला भी, जैसे बत्तखवीं वाला क्वेश्चन हो गया और साथ ही साथ यूपीएससी के भी कुछ क्वेश्चन का रिपीटेशन हुआ है। अच्छा। निसंदेह यूपीएससी के सन्निकट प्रतीत होता हुआ ये क्वेश्चन है। हाँ। इसमें कोई संदेह नहीं। हाँ। और जिन लड़कों ने अगर टेक्स्ट बुक नहीं पढ़ा है, अब प्रतियोगिता दर्पण नहीं पढ़ा है, तो उनका निश्चित रूप से किसी भी परिस्थिति में सिलेक्शन नहीं होने जा रहा है। करेंट अफेयर का क्वेश्चन टोटल का टोटल प्रतियोगिता दर्पण है, चिटपुटिया बम से नहीं है। और जो लड़के प्रतियोगिता दर्पण साल भर का गहराई से अध्ययन किए होंगे, उन निश्चित रूप से उनका परीक्षा अच्छा गया होगा। प्रतियोगिता दर्पण से करंट पे टोटल प्रतियोगिता दर्पण, लेकिन छात्र बता रहे हैं कि करंट का लेवल ही सबसे ज्यादा टफ था पेपर। बिल्कुल, प्रतियोगिता दर्पण में कोई ऐसा क्वेश्चन उठा के दिखा दे लोग जो प्रतियोगिता दर्पण में साल भर वाले में नहीं है, उसी दिन में पढ़ाना छोड़। साइंस के लेवल की बात करें सर, तो साइंस का लेवल काफी हार्ड आया है, दो दो सब्जेक्ट को बोल रहे हैं सर, बिहार स्पेशल, करंट अफेयर्स और साइंस, तीन सब्जेक्ट काफी हार्ड आया है सर एग्जाम। देखिए, ये अलग अलग लड़कों का अलग अलग पेपर टफ होता है, अलग अलग आसान होता है। हाँ। कोई क्वेश्चन बहुत इजी है। हाँ। जैसे नौरोज किसने शुरू किया, ये सबको पता है, रेलवे वाला लड़का को पता है। लेकिन जो क्वेश्चन कंसेप्चुअल अवधारणात्मक है, उसमें सारे के सारे क्वेश्चन ये माननीय अतुल प्रसाद जी ने ये निर्धारित कर दिया है कि अब रटने से, एटम बम परमाणु बम पढ़ने से नहीं होने जा रहा है। टेक्स्ट बुक पढ़िए, बिहार का भी टेक्स्ट बुक पढ़ना पड़ेगा, करंट अफेयर भी गहराई से पढ़ना पड़ेगा और बाकी सारे पेपर गहराई से पढ़ने पड़ेंगे। क्वेश्चन निश्चित रूप से टफ है, जिसको टफ कहा जा सकता है वो तो पहले से ही तय था। जो भी ऑब्जेक्टिव पढ़ कर गए होंगे उनको खासा दिक्कत हुआ, असंभव। अच्छा, ऑब्जेक्टिव रटे रटाए, अब कोरोना बम शिक्षकों से जो भी पढ़े होंगे उनका रिजल्ट नहीं होगा, आज मैं लिख के दे रहा हूँ। अच्छा, कट ऑफ की बात कर लेते हैं सर, इस इतना हार्ड पेपर में कितना कट ऑफ जाने की संभावना है सर? 90 से 95 के बीच कट ऑफ रहेगा, मात्र 90 से 95। यस, 90 से 95 के बीच कट ऑफ रहेगा। अच्छा, ये फिक्स है, उससे ऊपर नहीं जा सकता, असंभव। मतलब 150 के क्वेश्चन में मात्र 90 रह सकता है? 90 से 95 के बीच में घट जाएगा, बढ़ेगा नहीं। अच्छा, ये मैं कह रहा हूँ। लड़कियों का सर? लड़की का स्वाभाविक है, उससे थोड़ा सा घटा दीजिए, दो तीन नंबर खटा दीजिए, दो तीन नंबर 85-86 कम उनका भी नहीं रहेगा, बहुत खुश होने की जरूरत उनको भी नहीं है, 85-86 कम उनका भी नहीं रहेगा। सर, आगामी जिस तरह से बीपीएससी का एग्जाम अभी हुआ है, आगामी जो भी बीपीएससी का एग्जाम होगा उसमें क्या यही लेवल मेंटेन रहेगा सर? 100% बीपीएससी ने दिखा दिया कि परीक्षा कैसे लिया जाता है, बीपीएससी ने दिखा दिया कि एसडीएम और डीएसपी कैसे बनते हैं, पहले लुसेंट रट के, क्राउन रट के, नैनो रट के, स्पीडी रट के, यूट्यूब बम रट के, रडी रडाई क्वेश्चन के आधार पर लड़के जाते थे, अब फीस हो गए, टेक्स्ट बुक फिर से आ गया, एनसीईआरटी फिर से आ गया और प्रतियोगिता दर्पण फिर से आ गया। बिहार का छात्र तो ये भी कह रहे हैं सर कि डायरेक्ट यूपीएससी से भी क्वेश्चन लड़े हैं सर। बिल्कुल, यूपीएससी क्वेश्चन का इंग्लैंड से आता है, यूपीएससी क्वेश्चन उसी तरह से यूपीएससी के सन्निकट है, प्योर यूपीएससी का क्वेश्चन नहीं है, यूपीएससी से मिलता जुलता क्वेश्चन है, जिस तरह यूपीएससी पूछता है बीपीएससी ने भी उसी तरह उसी आधार पर क्वेश्चन को पूछा है। अच्छा, जिनका भी 90 से 95, 100 के बीच में है वो निश्चित, 100 नहीं यार, 90 से 95 के बीच में है वो तैयारी करे, 100 भी नहीं जाएगा, जिनका 100 है ना। हाँ। वो यूपीएससी दे क्वालिफाई कर जाएंगे, मतलब इस पेपर में जिनका 100 नंबर है वो काफी अच्छे छात्र, बहुत अच्छे छात्र है। अच्छा, बहुत अच्छे छात्र है, 90 से 95 के बीच कट ऑफ जाएगा, उससे ज्यादा कट ऑफ जाने का सवाल ही नहीं उठता। वुमेन्स की तैयारी करें, बिल्कुल, एक दिन आज सिनेमा होने वाला देख ले, उसके बाद भिड़ जाए। बाकी क्या बोलना चाहेंगे छात्रों को जो भी परेशान होंगे क्वेश्चन का लेवल देखकर या कुछ भी,
क्या बोलेंगे सर? देखो बेटा, मैं बार बार कहता था बेटी और बेटा कि आप लोग यूट्यूब बम के चक्कर में कोरोना काल के बाद टीचरों के द्वारा जो रटवाया जाता था उसी को लेकर आप लोग रटते थे, एक चीज को 20 बार रट रहे हैं। मैं कहता था एनसीईआरटी, मैं कहता था टेक्स्ट बुक, मैं कहता था प्रतिभा दर्पण, उसका उसको पढ़े भी ना, अगर आप एसडीएम और डीएसपी का सपना देख रहे हैं तो ये दीवा स्वप्न है, इससे अधिक कुछ नहीं। इसलिए अभी भी वक्त है, 70वीं आ रहा है, टेक्स्ट बुक को अपनाइए और बीपीएससी क्रैक कीजिए, अदरवाइज कोई चांस नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो जैसा कि आप लोग देख रहे थे, रहमान सर का साफ कहना है कि जो भी ऑब्जेक्टिव पढ़कर गए होंगे, लूसेंट एसपीडी पढ़कर गए होंगे, उनका इसमें काफी दिक्कत उनको हो रहा है। और देख सकते हैं अभी भी सर के हाथों में पेपर ही है, पेपर का एनालिसिस कर रहे हैं सर। और सर का भी मानना है, जैसे छात्र बोल रहे हैं कि 90 से ऊपर नहीं जा सकता है कट ऑफ, सर कह रहे हैं 90 से 95 तक जा सकता है, हालांकि लड़कियों का 2-4 नंबर कम हो सकता है, 85 के आसपास लड़कियों का कट ऑफ रह सकता है। बाकी अगर आप भी दिए हैं तो आपका कितना नंबर आ रहा है, कितना आपने सही किया है, अपनी जो नंबर आ रही है अपने अंक को कमेंट सेक्शन में जरूर दर्ज कीजिएगा, और क्वेश्चन का लेवल आपको कैसा लगा ये भी जरूर दर्ज कीजिएगा। आप देख रहे थे काबिल न्यूज़। जय हिंद।